हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनटू द वाइल्ड। ये कहानी एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी जो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन अब वो ऐसी जिंदगी गुजारने का फैसला करता है जैसा कि कोई नहीं कर सकता और ना ही इस बारे में सोच सकता है। ये क्रिस नाम के एक लड़के की कहानी है जिसने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसके मॉम डैड ने उसे एक नई गाड़ी लेकर देने का फैसला किया, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास अपनी गाड़ी है। फिर इसके बाद वो अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स, आईडी कार्ड्स, अपने पेपर्स सब कुछ जला देता है और उसके अकाउंट में जो $24,000 थे जो उसने उसकी पढ़ाई के लिए जमा किए थे वो सारे डॉलर्स गरीब लोगों में बांट देता है और अपना बैग लेकर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। क्रिस कहां जा रहा है वो खुद भी नहीं जानता था। दरअसल उसके माँ बाप के कम प्यार की वजह से उसका दिल इस रिश्ते से भर चुका था और वो अपनी पुरानी पहचान छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता हो। अपनी गाड़ी को वो एक जगह पर रोकता है और वो एरिया फ्लडेड एरिया होता है। अब रात को जब वो सोता है तो उधर से सैलाब आ जाता है, उसकी गाड़ी भी फंस जाती है। अब उसने वहीं पर अपनी गाड़ी को छोड़कर आगे का सफर तय करना था, पर वहां से जाते हुए वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को उतार देता है और उसके पास जितने भी पैसे थे सबको जला देता है। इसके पास अब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसके सपने, उसका मकसद और उसके पास एक बैग है। अब आगे के सफर में दिखाया जाता है कि वो अब लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है और आगे का सफर तय करता है, क्योंकि ना उसके पास गाड़ी थी और ना ही पैसे। उसका अब जहाँ मन करता था वो सो जाता था और जहाँ मन करता था वहाँ चला जाता था। पूरी दुनिया को इसने अपना घर मान लिया था, अब यहाँ तक कि अपने नाम भी बदल देता है। अपने सफर के दौरान वो एक कपल से भी मिलता है। ये कपल इसको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो इसको बताते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पैदल सफर करते हो और हम गाड़ी पर। हमें भी तुम्हारी तरह खूबसूरत जगह देखने का बहुत शौक है। क्रिस कुछ दिन इनके साथ रहता है। इस कपल में से हस्बैंड इसको अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि मेरी वाइफ अपनी पुरानी जिंदगी से अभी तक बाहर नहीं आई, वो अपने पहले हस्बैंड को अभी तक याद करती है और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है कि जब तुम हमें मिले थे तब भी हमारे बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे। फिर क्रिस कहता है कि शायद कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहते, इसीलिए ऐसा करते हैं। वो आदमी कहता है जो अपनी वाइफ की कहानी उसे सुना रहा था कि तुम तो बहुत समझदार हो। क्रिस जब इनके साथ रह रहा था तो इनका रिश्ता और भी ठीक होने लगा था, मगर क्रिस को इससे आगे जाना था, उसको अलास्का जाना था, इसीलिए वो इस कपल को यहाँ पर छोड़कर आगे अपने सफर पर निकल जाता है। ये अभी कैलिफोर्निया में था। फिर इसके बाद वो ईस्टर्न साउथ डकोटा जाता है। इसको आज घर से निकले हुए 2 महीने हो चुके थे। यहाँ आने के बाद क्रिस एक आदमी से मिलता है जिसके पास यहाँ पर खेतों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे। वो आदमी फसल काटने का काम किया करता था। क्रिस भी उसके साथ काम करता है। वो अपनी जिंदगी के मजे में था क्योंकि वो जो भी कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन यहाँ से भी क्रिस को जाना था। इस आदमी से वो एक गन मांगता है जो उसको शिकार के लिए चाहिए थी, क्योंकि अलास्का जहाँ पर वो जाना चाहता था वो एक जंगल था, और इस आदमी को किसी वजह से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। क्रिस का यहाँ तक का सफर भी खत्म हो चुका था और अब ये यहाँ से भी आगे बढ़ना चाहता है और ये फैसला करता है कि आगे एक नदी को पार करेगा जिसके लिए उसको परमिशन की जरूरत है। अब वो परमिशन मांगना चाहता है। उधर एक ऑफिसर कहता है कि तुम अपना नाम लिखवा दो और जब तुम्हारा नाम आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। जब वो लिस्ट में अपना नाम देखता है तो उसका नाम 12 साल बाद था। वो इसे देखकर कहता है कि क्या मतलब, एक नदी को पार करने के लिए मुझे 12 साल का इंतजार करना होगा? ऑफिसर कहता है कि हाँ। फिर वहां से क्रिस ये फैसला करता है कि वो बगैर इजाजत के नदी को पार कर देगा और अब वो उस नदी को पार कर लेता है। उसे वहां से एक कपल मिलता है। वो उसको बताते हैं कि तुम इस नदी को पार करके आए और अब तुम मेक्सिको जा सकते हो, लेकिन इसके पीछे पुलिस भी लग चुकी थी। ये मेक्सिको तक पहुंच जाता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए इसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, यहाँ तक के एक गुफा में भी रहा। ये अब शहर पहुंच गया था, मगर इसको यहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए ये अपना आगे का सफर शुरू कर देता है। ये अपना ज्यादा सफर अब ट्रेन पर करने लगा था, मगर इसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए ये अब मालगाड़ी की मदद लेता है। एक दिन ट्रेन पर पुलिस इसे पकड़ लेती है और बहुत मारती है। क्रिस अब दोबारा से अपने आगे का सफर लोगों से मदद मांग मांग कर करता है। आगे पहुंचकर वो उस पुराने कपल से भी मिलता है जिनसे वो अपने सफर पर सबसे पहले मिला था। यहीं पर क्रिस एक लड़की से भी मिलता है
जिसका नाम क्रिसी था। वो क्रिस को पसंद करने लगी थी, पर क्रिस उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो आगे अपने सफर पर जाना चाहता था। उसको तो अलास्का जाना था। उस वक्त के बाद वो अपने सफर पर निकल जाता है। वो एक शहर में पहुंचकर अपना कैंप भी लगाता है। उस कैंप में कुछ दिन रहने के बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो जाती है जो एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है, मगर वो लेदर का काम भी करता है। वो बूढ़ा आदमी जब क्रिस की कहानी सुनता है तो उसे उसकी कहानी काफी अच्छी लग रही होती है। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त क्रिस के साथ गुजारना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरी सारी फैमिली की मौत हो चुकी है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। क्रिस अब उस बूढ़े के साथ लेदर का काम भी सीखता है। वो अपने लिए एक बेल्ट बनाता है, साथ ही साथ जरूरत की हर चीज को अपने सफर के लिए बनाता है। अब क्रिस यहाँ पर 2 महीने रहने के बाद फैसला करता है कि वो अब अलास्का जाएगा क्योंकि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होता। मगर वो बूढ़ा आदमी नहीं चाहता था कि ये यहाँ से चला जाए। वो कहता है कि मेरे पास ही रहो, मेरा बेटा बनकर। अब क्रिस कहता है कि मैं आपके लफ्जों की बहुत कदर करता हूँ, पर मुझे अलास्का जाना है। जब मैं वापस आऊंगा तो तब हम इस बारे में बात करेंगे। क्रिस अब वहाँ से निकल जाता है। तभी एक आदमी उसे लिफ्ट दे देता है और उसको अलास्का के बॉर्डर तक छोड़ देता है और साथ ही साथ उसे जूते भी देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे पांव गीले नहीं होंगे। और क्रिस अलास्का पहुंच जाता है। जब ये काफी आगे जाता है तो ये एक पेड़ की टहनी पर अपनी कैप लटका देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि आगे उससे एक नदी को पार करना था ताकि जब वो वापस आए तो उसे रास्ता पता चल सके कि उसने नदी को यहां से कैसे पार किया था। वो अब नदी को पार करता है और उधर ही अपना कैंप लगा देता है। वहीं अलास्का में बर्फ ही बर्फ होती है और दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं होता। वो यहाँ पर रहने के लिए छोटे मोटे शिकार भी करता है। उसके पास बंदूक भी होती है जो उसने शिकार करने के लिए लाई थी। तभी इसको एक बस नजर आती है जिसमें सोने के लिए बिस्तर और आग जलाने के लिए कुछ सामान भी था। इसको रहने के लिए अब जगह मिल चुकी थी। वो उस बस को अच्छे से पहले साफ करता है और फिर वहीं पर रहने लगता है। वो शिकार करके अपना पेट पालता है और अब क्रिस अपनी जिंदगी गुजार रहा था जो वो जीना चाहता था। इसकी एक अच्छी आदत ये थी कि उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आज तक जहाँ पर भी वो गया था उसने हर जगह की अच्छी चीजों के बारे में किताब में लिख दिया होता है ताकि वो अपनी जिंदगी में हमेशा उन पलों को याद कर सके। शुरू में तो अलास्का के दिन उसके लिए बहुत अच्छे थे, पर अब उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। इसीलिए उसने अपना खाना पीना अभी थोड़ा कम कर दिया होता है जिस वजह से उसका वजन भी कम हो जाता है। उसने जो बेल्ट पहनी हुई थी जो उसने खुद बनाई होती है वो उसमें रोजाना सुराख करके छोटी करके पहनता है। उसका खाना खत्म हो रहा था इसीलिए अब वो सोचता है कि वो एक बड़े से जानवर का शिकार करेगा और उसे बहुत दिनों तक चला लेगा। लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका सारा मीट खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसको यहाँ पर एक बात समझ आ गई होती है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। क्रिस अब ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका होता है। उसको एहसास हो चुका था कि असल खुशियां तो वही हैं जो अपनों के साथ बांटी जाती हैं। अब वो जब वापस जाने का फैसला करता है तो देखता है कि जिस नदी से पार करके आया था वो अब बहुत बड़ी और गहरी हो चुकी थी। उसको अब वो पार नहीं कर सकता था। अब जैसे ही वो उस नदी को पार करने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो वापस से अपनी गाड़ी में आकर दोबारा से अपने दिन गुजारना शुरू कर देता है। इसके पास खाने पीने का सामान बिल्कुल भी नहीं होता। वो अब जंगली पेड़ पौधों को खाना शुरू कर देता है जिसके बारे में उसके पास एक किताब भी होती है क्योंकि जंगल में हर कोई पौधा हम नहीं खा सकते। एक दिन वो एक जहरीला पौधा खा लेता है। उसके पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है। उसके अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लिए खाना तलाश कर सके। उसको अलास्का में आज पूरे 100 दिन हो चुके थे जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहता था वो कर चुका था, मगर अब वो बहुत कमजोर हो चुका है। लेकिन अभी भी वो अपने ख्यालात लिखता रहता है। अब अपने आखिरी दिनों में वो लिखता है कि हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, मतलब कि खुशियां वही हैं जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। जब वो रात को सोता है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त होता है और वो अपने स्लीपिंग बैग में लेट जाता है, अपने माँ बाप को याद करता है। दुनिया में ये अब एक आखिरी नोट लिखकर जाता है जिसमें लिखा होता है कि आई हैव हैड ए हैप्पी लाइफ एंड थैंक गॉड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल, जिसका मतलब ये होता है कि मेरा सबको शुक्रिया और सबको अलविदा, जिसके बाद वो मर जाता है। क्रिस की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी अपनी मर्जी से जरूर गुजारें, पर अपनों के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी में कोई न कोई गलती जरूर करता है, पर हम गलतियों की वजह से किसी को हमेशा
हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते। आखिरकार गलती का नाम ही गलती है, इसीलिए अपनों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उनको छोड़कर जाने का कभी नहीं सोचना। इस कहानी का जो आखिरी नोट दिखाया गया था वो तो सिर्फ इस कहानी का हिस्सा था, पर असल में उसमें अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं अपनी मौत के बहुत करीब हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ये मजाक नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो, मैंने अपनी जिंदगी के हर रास्ते को खोला हुआ है और अब इस शाम में यहाँ हूँ। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।